कॉम्प्लेक्स नंबर से एक प्यारा सा शॉर्टकट ट्रिक देखेंगे हम लोग, जिसका यूज करके दिए गए क्वेश्चन को आप 2 या 3 सेकंड में आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे 1 + iota का होल पावर 9 है, यहाँ पे 1 - iota का होल पावर 17 है, और यहाँ पे 1 - iota का होल पावर 13 है। तो 2 क्वेश्चन हम बताएंगे और तीसरे का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने होंगे, राइट। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए बढ़िया से, यहाँ पे जब भी क्या हो 1 + iota का होल पावर 9 की बात हो, पूरे के होल पावर 9 की बात हो, तो करना क्या आपको, इस n में 4 से आपको डिवाइड करने हैं, ठीक है ना। तो मान के चलिए कुछ ना कुछ तो आपको आएगा इधर, वह q मान लीजिए, और फिर यहाँ भी रिमाइंडर भी आएगा, शेषफल भी आएगा। जैसे आप 9 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 × 8, यहाँ रिमाइंडर 1 आ गया, और यहाँ पे कोसेंट आपका क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। तो देखिए, तो इस सब का यूज करना है, तो करना क्या है, इसका मान क्या हो जाएगा, आपको लिख देना है, क्या यहाँ लिखिएगा -4 का पावर, यहाँ अच्छा से लिखते हैं हम, इसको लिख दीजिएगा -4 का पावर, यह जो q आएगा वो q लिख देंगे यहाँ पे, क्लियर। और उसके बाद इंटू 1 + iota का होल पावर, यह r लिख देंगे, क्या करेंगे, यह r लिख देंगे, समझिए बढ़िया से। तो ये आपका शानदार, ये जो है ना लॉजिक हो गया, क्लियर। यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ पे लिखना है -4, 9 में 4 से डिवाइड कीजिए, कोसेंट क्या आएगा, 2 आएगा, 2, 1 प्लस है यहाँ पे, तो प्लस आयोटा का पावर, शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा, तो कितना होगा, -4 का स्क्वायर 16, और इंटू 1 + iota, यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे आइए, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 17 में 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 × 4 + 1, तो यहाँ क्या लिखेंगे, -4 का पावर, यह 4 जो आया है ये लिख देंगे इसे हम लोग, और फिर 1 - iota का पावर 1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 256 × 1 - iota, क्लियर। तो आप लोग हमें इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको इससे क्या बेनिफिट हो सकता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ट्रिक के साथ में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलना है। थैंक यू।